So Vinicius Junior is struggling, भाई. He is going through a lot in La Liga. भाई अगर मैं देखूँ La Liga की बात करूँ, 20th position की टीम हो या फिर first position की टीम हो, everyone is targeting Vinicius Junior. इसके पीछे ये भी बहुत बड़ा reason निकल के आता है, Real Madrid का जो style of play है, जो कार्लो एंचेलोटी का जो स्टाइल ऑफ प्ले है भाई, अपना अटैक बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है. रियल मैड्रिड का अटैक बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है. अगर रियल मैड्रिड के अटैक को पकड़ना है तो विनीशियस जूनियर को पकड़ लो. आपने कम से कम 70-80% आपने रियल मैड्रिड के अटैक को पकड़ लिया. अगर आपने एक बंदे को पकड़ लिया, हमारा अटैक कहां से क्रिएट होता है, हम कहां से चांसेस क्रिएट करते हैं, कहां से हम ज्यादा डेंजरस दिख रहे होते हैं भाई किसी भी टीम के लिए, फ्लैंक से. फ्लैंक भी कौन सा, लेफ्ट साइड. विनीशियस जूनियर वाला फ्लैंक भाई चांसेस क्रिएट कर रहा है, ड्रिबल कर रहा है, आग लगा रहा है, डिफेंस को खोल रहा है, तोड़ रहा है, प्लेयर्स ट्रैक कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है भाई. और सीजन में क्लियरली दिख रहा है, हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, लाते मारा तोड़ रहा है, ट्रीटमेंट जिस तरह उसको मिल रही है भाई, हर 20th पोजीशन की टीम हो, फर्स्ट पोजीशन की टीम हो, एवरीवन इज टारगेटिंग विनीशियस जूनियर. अब बात आती है विनीशियस जूनियर क्या कभी बेलन डी'ओर वाले लेवल पे जा सकता है, क्योंकि अभी तक फॉर्म ही वो नहीं गया है. देखो विनीशियस जूनियर, अभी अगर मैं बात करूं इस जनरेशन की, एम्बाप्पे और हालैंड से एक लेवल में उसको नीचे अभी भी रखता हूं, जस्ट बिकॉज जो उसका एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट यही तो सारा कलेश है मेरे भाई, यही सारा कलेश है एंड प्रोडक्ट. अभी थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, फुटबॉल में जाते हैं. जितने भी ग्रेट्स हैं फुटबॉल के, जो ग्रेट्स हैं, अगर मैं फॉरवर्ड्स की बात करूं, जितने भी ग्रेट्स हैं, मैराडोना हो गया, पेले हो गया, जिसकी मतलब समझ लो, मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, नेमार हो गया, सुआरेज हो गया, बेंजिमा ने जो बैलन डी'ओर उठाया था उस सीजन में, आप उसकी फिनिशिंग देखना कितना ज्यादा लीथल था, डेंजरस था. ठीक है, तो क्या उस लेवल पे जा सकता है विनीशियस जूनियर, अभी तक नहीं जा सकता भाई. जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू बिग प्लेयर, बिग प्लेयर, बिग नाम, बड़ा नाम. एक हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में भाई जो एक नाम छप जाता है ना बिकॉज ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट, वो विनीशियस जूनियर के पास अभी भी बिल्कुल नहीं है. इसलिए मैंने बहुत पहले एक चीज बोली थी, एक लाइन बोली थी अपने ही वीडियो में कि भाई रोड्रिगो का इंपैक्ट मुझे ज्यादा बड़ा दिख रहा है रियल मैड्रिड पर विनीशियस जूनियर से, जस्ट बिकॉज उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत फाड़ है. आप देखना रफीना, मतलब बहुत फाड़ है भाई. तो विनीशियस जूनियर का एंड प्रोडक्ट कैसे सही, देखो एंड प्रोडक्ट है क्या, एंड प्रोडक्ट कैसे सही होगा. एंड प्रोडक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस की तो माँ बहन हो रखी है भाई, कॉन्फिडेंस तो खत्म हो रखा है. कैसे, मैं देखो विनीशियस जूनियर इज डूइंग एवरीथिंग, गोल्स निकाल रहा, असिस्ट दे रहा, चांसेस क्रिएट कर रहा, कल भी असिस्ट दी, तो अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस खत्म हो रखा है भाई, डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रखा है. बात करते हैं भाई, अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं और इस सीजन की बात करूं, विनीशियस जूनियर हर कोई बोल रहा था लास्ट सीजन भाई कार्लो ने इसको अनलॉक कर दिया है, वो गोल्स निकाल रहा, हर चीज कर रहा. कार्लो एंचेलोटी ने एक एडवाइस दी थी विनीशियस जूनियर को, वो बहुत तगड़ी एडवाइस थी भाई, बॉक्स में जाना, ज्यादा सोचना नहीं है, लेस टचेस लेना है, कम से कम टाइम लेना है. और इस सीजन अगर आप देखोगे अननेसेसरी टचेस, फालतू के एक्स्ट्रा टचेस वो ज्यादा ले रहा है, ये हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है, सेकंड चीज भाई देखो, जो कॉन्फिडेंस होता है ना बंदी के अंदर, आप जिसने जितने भी मैंने नाम लिए भाई, ज़लाटन ले लो यार, ज़लाटन भी इस लेवल पे बहुत खतरनाक है, उसको कॉन्फिडेंस की बात आती है, रोनाल्डो की बात आती है, सेल्फ बिलीफ की बात आती है, मेसी की, इन लोगों को फील होता है भाई इतना कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, बॉक्स के अंदर हो, बाहर हो, पता नहीं कहां खड़े हो, ज़लाटन ने कहां से बाइसिकल मार दी थी भाई, वो कॉन्फिडेंस होता है किसी एवरेज प्लेयर के लिए वो नहीं होता. वो बोलेगा पागल है, यहां से ट्राई करने की जरूरत नहीं है, फालतू में बॉल खोदोगे पोजीशन लॉस्ट हो जाएगी. नहीं, जब कॉन्फिडेंस होता है ना, वो उनको फील होता है आई कैन शूट भाई, मैं यहां से भर दूंगा, कुछ भी हो जाएगा. वो एक अलग लेवल, ग्रेट्स की बात चल रही है, उस लेवल पे विनीशियस जूनियर नहीं जा सकता अभी तक, मुझे वो फील नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस. ओवर कॉम्प्लिकेट चीजें और अपने लिए डिफिकल्ट कर देता है. पिछले सीजन की बात करूं, और ज्यादा अटेम्प्ट ले रहा था शॉट्स में, इस सीजन उसके शॉट्स भी कम ले रहा है, वो अटेम्प्ट कम कर रहा है वो, तो उस पर कॉन्फिडेंस रिकवर नहीं हो रहा इस सीजन. क्यों, कैसे होगा, कैसे होगा भाई, जिस तरह उसको ट्रीटमेंट मिल रही है स्पेन में, जिस तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं प्लेयर्स, फैंस, कोचेस, रेफरीज, जिस तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह उसको हर मैच में रेसिज्म, हर मैच में उसको जिस तरह फील हो रहा है मंकी, कभी उसके पुतले लटकाए जा रहे हैं, कभी उसको ब्रूटल टैकल्स, करियर एंडिंग टैकल्स पड़ रहे हैं, कभी पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है भाई गो डाई, मर जा. 22 साल का लड़का भाई, मैं अपनी बात करूं, मुझे आपकी बात नहीं, अगर हम अपने आप को उसकी जगह रखें भाई, कभी लड़कियों की आंखों में कभी आई कॉन्टैक्ट करना भाई, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है भाई, हमने जैसे कह दो है ना, तो भाई वहां पूरे स्टेडियम में पागलों की तरह चिल्ला रहे भाई, जा मर जा मंकी. कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर जाए, कॉन्फिडेंस नहीं जा सकता ऊपर भाई. और इसके पीछे एक बहुत, यही एक बहुत, दैट्स द मेन रीजन ही इज स्ट्रगलिंग इन हिज डिसीजंस, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है. और विनीशियस जूनियर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बैलेंडियो वाले लेवल की बात करूं,
एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू बिग प्लेयर, मैंने बोला एंड प्रोडक्ट का भी देखना आप कभी विनिशियस जूनियर की कभी आप शूटिंग टेक्निक देखना, कभी एम्बापे को शूट मारते हुए देखना एक पटाका, और कभी विनिशियस जूनियर को शूट मारते हुए देखना एक अलग ही टेक्निक होती है उसकी, पता नहीं क्या मेरे ख्याल से वर्स्ट टेक्निक है वो किसी भी फॉरवर्ड की, विनिशियस जूनियर की। और दूसरी बात करूं एंड प्रोडक्ट से, एक और चीज डिसीजन मेकिंग अगर मैं बात करूं, भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, एक्स्ट्रा टचेस ले रहा है, पता नहीं भाई। मेन रीजन कॉन्फिडेंस, पिछले सीजन में उठा के देखना और सीजन उठा के देखना भाई, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है विनिशियस जूनियर में। अगर मैं बात करूं कॉन्फिडेंस की, मेन रीजन भाई जिस तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है भाई, क्या विनिशियस जूनियर छोड़ के जाने वाला है, मतलब छोड़ के जा सकता है रियल मैड्रिड को, ला लीगा को, जिस तरह उसको ट्रीटमेंट मिल रही है। क्योंकि भाई एट दी एंड किसी भी प्लेयर के लिए करियर से बड़ा कुछ नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है भाई इनके पास फुटबॉल खेलने का, एक टैकल अगर पड़ गया ना अच्छा खासा, बंदे का करियर खत्म भाई, जिस तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं रिसिज्म। और ये तो छोड़ो भाई, किसी भी प्लेयर के लिए सबसे मेन चीज होती है कॉन्फिडेंस, जिस दिन कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना भाई, वो कितना भी फाड़ प्लेयर हो, जब उसको अपने पे बिलीव नहीं होगा ना भाई, ये चीजें होती हैं जब आपको सारे लोग एक साथ टारगेट करते हैं और ये चीज उसके साथ हो रही है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या वो क्या लग रहा है भाई, किस तरह विनिशियस जूनियर को ओवरकम करने वाला, आपको क्या फील होता है भाई, अपना कॉमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स व्यूज जरूर देना भाई। So that's all for this video. I'll see you very soon. Thank you.